आप बोल सकते हो खेलने का बोलते ना जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से इनके लास्ट 10-15 दिन का प्रैक्टिस हमें देखने को मिल रहा है, इट्स आउटस्टैंडिंग। चारों प्लेयर अलाइव है एंड दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ। यहाँ पे एज में हमारे पास सोल स्काउट ओपी दिख रहे हैं जो दो किल्स के साथ एक व्हीकल लेकर के थोड़ा कवर बनाने की कोशिश है, बट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होना है ये चीज, बिकॉज उनके बिल्कुल सामने टीम आई इंडिया जो सर्कल को पूरा होल्ड करके रखे। स्नैक्स की टीम यहाँ पे ऑन अ रोल है, एंड रौनक की टीम की बात करें, नया गेम नया लाइनअप किस तरह से खेल रहे हैं रौनक कुकर गमला बॉय सोमराज, आउटस्टैंडिंग। चारों प्लेयर लाइव, रोटेशंस ऑन पॉइंट, गनशॉट्स ऑन पॉइंट, टीम का कवर फायर एंड कोऑर्डिनेशन सब कुछ ऑन पॉइंट है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये प्लेयर्स एक यू नो एक साथ पहली बार खेल रहे हैं। द वे दे आर प्लेइंग इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि छठे सर्कल में अभी भी 8 टीम पेंडिंग है। मैं बोल रहा था इन्फ्लुएंसर पार्टी यहाँ पे, यू नो मतलब क्या इन्फ्लुएंसर पार्टी, दिस इज आउटस्टैंडिंग, जस्ट अनबिलीवेबल। This is the chaos that we wanted. I mean, Doug, अगर इस चीज की बात करें, 7 टीमें अभी के लिए टीम इन द 20 लोग टीम इन द सर्कल छोटा है, बट प्लेयर्स के पहले गेम के चिकन डिनर के सबसे बहुत बड़े इस समय, और वही चीज आपको नजर आ रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं सर्कल धीरे धीरे आगे जा रहा है, कुछ तेज है सर्कल के पास। अगर वो जोन में नहीं पहुंचे तो पहले जोन उनको पनिश करेगा, एंड मे बी बात है उनके ओपोनेंट्स उनको पनिश करें, उनके फिनिश पॉइंट्स अपने हिस्से में लेकर के सांगवान कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियर का एक एड गमला बॉय को वहां पर पिक करता नजर आता है, लेकिन वो ग्रेट स्टफ बाय सांगवान, इतने छोटे से एंगल को कितने प्यार से होल्ड करके रखा है। हालांकि तीनों प्लेयर्स अलाइव, आई एम सुपर इंप्रेस्ड बाय टीम सांगवान एज वेल, जिस तरह से उन लोग खेले। रौनक की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही थी, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, बट आई थिंक दे रिकवर्ड वेल। रौनक वहां फिनिश हो गया, बट टीम प्लेयर्स अभी भी अलाइव है एंड दे आर गोइंग आउट। हाइड्रा के न्यूक्लियर की बात करें, अपनी टीम को पोजिशन पॉइंट दिलाने की कोशिश, एंड स्नैक्स की बात करें, मतलब आई एम कंफ्यूज, हर टीम इतना कोऑर्डिनेटेड इतना सिंक्रोनाइज परफॉर्मेंस दिखा रहे कि दिस फील्स लाइक द रियल लॉन्च पार्टी, द फेस्टिवल, द एक्स्ट्रावेगेंजा वी ऑल वेटिंग फॉर। सो लगातार यहाँ पे टीम आई के स्नैक्स को पिक ऑफ करते हुए डाउन टू 18 प्लेयर, 7 टीम हमारे साथ बचे हैं। जी के ब्लेजी के सामने बिल्कुल सामने वहां पे एक और प्लेयर है, एंड मीनवाइल सोल मभी गाड़ी चलाते हुए पिक ऑफ किए, पर रायद इंस्टेंटली कवर फायर में रेगल्टोस को नॉक एंड फिनिश किया, दैट मींस ही वाज नॉट इन कवर। और पुकार ने वापस सोल मभी को नॉक किया, मतलब उन्होंने उनको फिनिश भी किया यहां पर। तो किल्स यहां से यू नो काफी बड़े हो जा रहे हैं, फिनिश यहां से भटोरे से जा रहे हैं, ग्रेटोस आगे मुक्के नहीं कोशिश करेंगे, स्नैक्स की स्पीड काफी लो हो चुकी है, तो वो अपने लिए हीलिंग आराम से यू नो यहां पर निकालना चाहेंगे। लेकिन अब हर कोई सर्कल में, और अगला जोन टच करते ही पता चल जाएगा किसका ये गेम हो सकता है। मे बी सेंटर लाइन पर ये सर्कल जाता हुआ नजर आता है सोल स्काउट, यहां पर प्ले जोन से जो होते हैं 5 टीमें देवियों से चुनो 14 लोग, 5 टीमें बची हैं, देखते हैं ये पहला चिकन डिनर किसके हिस्से में जाता है। रौनक का स्क्वाड एक तरफ आप देख सकते हैं, जो सांगवान का स्क्वाड है वो मिडिल एरिया होल्ड करके बैठा हुआ है, पीछे आईएनडी का स्क्वाड है, एंड दे नो व्हाट दे आर हियर टू डिलीवर अ रियली गुड गेम प्ले। नोवा किंग वहां पर पंक को पिक ऑफ करते नजर आ रहे हैं, उसके साथ 4 टीमें बची है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे आप देखो आईएनडी यहाँ पे ऑन अ रोल राइट था, उनको कोई किसी का टेंशन नहीं है। 4v3v3 का सिचुएशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रादर इट्स 4v3v2v2। हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे। आईएनडी के पास मैन एडवांटेज है, आईएनडी के पास मोटिवेशन एडवांटेज है, कॉन्फिडेंस एडवांटेज है, दे जस्ट नीड टू गो। बट एक बात ओशन, आई एम सुपर इंप्रेस द वे क्रॉन्टेन की टीम ने खेला है, जिस तरह से क्रॉन्टेन ने अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया है, उसको प्यारा कवर मिला, ही डिड अ ग्रेट जॉब, एंड डार्क का सोमराज को पिकअप करने के लिए बहुत ही शानदार स्प्रे, बट इंस्टेंटली गेट्स पनिश्ड बाय गमला boy। Well, M249 used to be a poetry of 100 bullets, अब ये स्टोरी बन रही है क्योंकि 150 गोलियां इसमें आती है धीरे धीरे। उन सबके बाद अब देखिए क्रेटोस यहाँ पर ग्रेनेड्स काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, इनको कहने के तस्वीर के पास पहुंचना ताकि ये ऑफ एंगल देख सके, बट वहीं पर स्नैक्स को डाउन किया जाएगा। और दलजीत एक अच्छा ट्रेड लिया है, ग्रॉन्टन का सीधा फिनिश करेंगे, कोई समय नहीं गवाएंगे, और दलजीत धीरे धीरे आगे मुख करें, बैकपैक अपना रिमूव कर चुके हैं, लेवल 3 मेस का जो प्रॉपरली फाइन है, लेकिन जो हेलमेट है वो आधे से ज्यादा यहाँ पर डैमेज किया जा चुका है। आतंकी भी हल्का सा आगे मुख नहीं कोशिश कर रहे, सांग वाली ऑन टू द बैक साइड, और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अगर वो भी अच्छे पिक्स निकाल सके, उनके पास एक एयर ड्रॉप का कवर है जो उनको हेल्प कर रहा है अभी के लिए। राइट है, यहाँ पे सांगवान और डार्क बिल्कुल तैनात है, देखिए टीम आईएनडी के सामने हमने बहुत बार देखा है कि कभी कभी ये चीज फेवर में निकल जाता है, एंड वही होते हुए डार्क ने आतंकी को पिक ऑफ किया, स्नैक्स भी शायद स्पॉटेड, एंड डार्क ने क्रेटोस को भी लिया अपने M249 के साथ ऑन अ रोल, बट स्नैक्स डिड अ वेरी स्मार्ट जॉब, वहां पे नेड यूज किया क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहे थे, एंड इंस्टेंटली डार्क को फिनिश आउट भी करेंगे। सांगवान अकेले बचते हुए डाउन टू 2v2v1, यहाँ पे ऑब्वियसली आईएनडी से एडवांटेज, बट आई थिंक एडवांटेज को ज्यादा तक रख नहीं पाएंगे, बट लुक एट दैट मोलोटॉव, क्या शानदार मोलोटॉव वहां पे दलजीत की तरफ से सांगवान को स्पॉट करते हुए, एंड सांगवान का भी डैमेज, आई थिंक गो फॉर द हिल बिकॉज़ स्मोक का कवर है उनको। दलजीत अच्छे तरीके से प्रेस कर रहे हैं अपने ओपोनेंट को, और वो चीज करते हुए वो काफी ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर दिखा रहे हैं। सांगवान एक एचपी पर बचे, इसके लिए सर्वाइवल वन विक्टर राइट नाउ, वन मिस्टेक एंड यस इट्स गेटिंग आउट ऑफ द गेम। अब ये आज के 20 मिनट के फाइट के लिए राइट,
Outstanding performance बोलूंगा मैं, मतलब टीम आईएनडी इस गेम के जो कंट्रोल में थे, गिवन द फैक्ट